जम्मू कश्मीर में आज थम जाएगा दूसरे चरण का प्रचार। 25 सितंबर को होगा मतदान। 26 विधानसभा सीट पर डाले जाएंगे वोट। कश्मीर के 3 जिलों में श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल की 15 सीट पर 25 सितंबर को वोटिंग। जम्मू के 3 जिले पुंछ, राजौरी और रियासी की 11 सीट पर भी मतदान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं। पुंछ में होगी राहुल की रैली, श्रीनगर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में वापस लागू नहीं कर सकती अनुच्छेद 370। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर प्रहार, राजौरी में कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ नहीं रख सकते रिश्ते। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की आज हरियाणा में 2 जनसभाएं, टोहना और जगाधरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आज हरियाणा में 2 रैली, अंबाला और घरौंदा में करेंगे जनसभा, पूर्व सीएम हुड्डा होंगे शामिल। फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार लखन सिंगला के नौकरी देने के दावों का वीडियो वायरल, बोले हुड्डा जी का मुझ पर आशीर्वाद। अंबाला में चुनाव प्रचार के दौरान अनिल विज का हुआ भारी विरोध, करनाला गांव में प्रचार करने पहुंचे थे बीजेपी नेता, किसान और बीजेपी समर्थक आ गए थे आमने सामने। चुनाव प्रचार के दौरान हुए विरोध पर बोले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, विरोध करने वाले कांग्रेस के हारे हुए सरपंच। सिरसा के चौटाला गांव में कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने किया रोड शो, बोले हरियाणा की 36 बिरादरी कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी। सोनीपत में बोले यूपी के सीएम योगी, आप केवल बेल को और जेल को लेकर चक्कर में, कांग्रेस को देश से मतलब नहीं। हरियाणा के नरवाड़ा में सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस परिवारवाद में मस्त, बीजेपी सरकार ने किया हरियाणा का विकास। दिल्ली में अमित शाह के साथ आजसू चीफ सुदेश महतो की बैठक, आजसू के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मंथन, सूत्रों के मुताबिक नहीं हो सका कोई फैसला। जनता की अदालत में बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे 5 सवाल, कहा भागवत बताएं राह क्यों भटक गई बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने मन से लहराया आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह, झाड़ू का इस बार बटन तभी दबाना जब लगे केजरीवाल ईमानदार। मनीष सिसोदिया ने लगाया बड़ा आरोप, कहा जेल से बचने के लिए केजरीवाल का नाम लेने के कहा गया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी तोड़ नहीं पाई बीजेपी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल से पूछे 5 सवाल, कहा केजरीवाल को देना चाहिए जवाब, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने साधा निशाना एबीपी न्यूज से, कहा झूठी अदालत लगाने से कुछ नहीं होगा, केजरीवाल को देना होगा 10 सालों का हिसाब। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार, बोले आरएसएस से सवाल पूछने से पहले अपने पिता समान अन्ना हजारे के सवालों के जवाब दे दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे का 3रा दिन, आज रात करीब 9 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी से न्यूयॉर्क में मिले बड़ी कंपनियों के सीईओ, टेक कंपनियों के अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की राउंड टेबल मीटिंग। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित, कहा अब अपना नमस्ते लोकल से ग्लोबल हो गया। पीएम मोदी ने कहा हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, पंथ हैं हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में बोले पीएम मोदी, भारत 10वें से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना, देश चाहता है हम जल्द 3री इकोनॉमी बने, अब भारत करता है नेतृत्व। नासाउ कोलिजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावर शो, राष्ट्रगान से हुई कार्यक्रम की शुरुआत, मोदी के शोर से गूंज उठा पूरा हॉल। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के मेगा शो से पहले प्रवासी भारतीयों ने पारंपरिक नृत्य से बांधा समा, पीएम मोदी ने की सभी कलाकारों की जमकर तारीफ। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले मराठा समुदाय की शानदार परफॉर्मेंस, महिला ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को ट्रेन मॉडल और उनकी पत्नी को पश्मीना शॉल भेंट की, 297 ऐतिहासिक धरोहरें भी अमेरिका से लौटेंगी भारत। अगले साल 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दी अहम जानकारी। हटाए गए मातोश्री के नजदीक लगे पोस्टर, शिवसेना यूबीटी युवा विंग ने उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे को दी थी जन्मदिन की बधाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मांग, वक्फ में गरीब मुसलमान महिलाओं को मिले जगह, इसको लेकर बने कानून। नागपुर में बोले नितिन गडकरी, सत्ता किसी की भी हो उसमें रामदास आठवले का होना तय, गडकरी के भाषण के वक्त मंच पर मौजूद थे रामदास आठवले। दिल्ली की मुख्यमंत्री अच्छी आज संभालेंगी पदभार, सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सीएम ऑफिस, आज हो सकती है आतिशी कैबिनेट की पहली बैठक। पंजाब में आज हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल, सूत्रों के मुताबिक हरदीप सिंह, तरुणप्रीत, एस सोंद, बरिंदर गोयल और महिंदर भगत समेत 5 नेताओं को मिलेगी कैबिनेट में जगह। आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, चुनावी तैयारियों को लेकर जायजा, 5 जनवरी को खत्म हो रहा है झारखंड विधानसभा का कार्यकाल।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में किसानों का आज बड़ा प्रदर्शन। बीकेयू नेता राकेश टिकैत होंगे शामिल। प्रदर्शन की मंजूरी को लेकर राकेश टिकैत ने सरकार को दी खुली चेतावनी। अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर एफआईआर लगी। अपहरण, मारपीट और धमकाने की धाराएं। मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव लड़ने की थी तैयारी। तिरुमाला में शुद्धि के लिए मुख्य यज्ञशाला में शांति यज्ञ। राज्य के सभी मंदिरों में पूजा अर्चना। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सीएम नायडू ने जांच के लिए एसआईटी बनाने के आदेश दिए। आईजी के नेतृत्व में एसआईटी का किया गया गठन। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने कहा, पूरी तरह से बदली गई गाय की घी खरीदने की प्रक्रिया। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला में फेयर डिक्लेरेशन क्लॉज की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा, ईसाई धर्म मानने वाले जगन ने तिरुमाला जाने पर क्यों नहीं किया डिक्लेरेशन क्लॉज पर साइन। जगनमोहन रेड्डी ने सीएम नायडू के खिलाफ पीएम को लिखी चिट्ठी। तिरुमाला की पवित्रता धूमिल करने का लगाया आरोप। मुंबई में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। जगनमोहन रेड्डी की आवाज पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। घर के गेट पर फेंका भगवा रंग। प्रसादम को लेकर छिड़े विवाद पर आज सुबह 9:30 बजे वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की हो सकती है चर्चा। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने मस्जिदों के सरकारी नियंत्रण का उठाया मुद्दा। का सवाल है कि सरकार मस्जिदों को क्यों नियंत्रित नहीं करती। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, राजनेताओं के हस्तक्षेप से मंदिरों में पाप होता रहा। प्रसाद में मिलावट की खबर दुख देती। प्रसाद विवाद पर बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, तिरुपति के लड्डू से बाद से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची। धर्माचार्यों के अधिकार क्षेत्र में हो सारे मंदिर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और उसके अपने पास रखना अपराध है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनाएगा फैसला। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के प्रभारी अभिजीत का नार्को टेस्ट कराने की मांग। सीबीआई ने मांगी नार्को टेस्ट कराने की इजाजत। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में बिना ट्रीटमेंट के गिर रहे नालों को लेकर एनजीटी में आज बेहद अहम सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में वडनेर भोलजी गांव में ईद मिलाद जुलूस के दौरान लगे विवादित नारे। जुलूस में शामिल लोगों ने लगाए नारे, 4 अज्ञात के खिलाफ शिकायत। ग्रेटर नोएडा की सुरक्षा व्यवस्था होगी ज्यादा मजबूत। 350 स्थान पर लगाए जाएंगे करीब 3000 सीसीटीवी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया, एक इंटीग्रेटेड कमांडेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग टीम पर हमला, एक सिपाही और एक ड्राइवर जख्मी। कानपुर में एक महीने के भीतर तीसरी बार ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। रेल ट्रैक पर मिला छोटा गैस सिलेंडर। एडीजी रेलवे प्रकाश डी ने रेल ट्रैक पर सिलेंडर पाए जाने की घटना पर कहा, सिलेंडर नहीं था गैस, हर एंगल से जांच हो रही है। कर्नाटक के कोलार में मंडी में हादसा, टमाटर के बॉक्स में आग लगी। करीब 1,00,000 रुपए की कीमत के बक्से जले। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आग में लाखों का माल जलकर राख। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चिकन मोमोज परोसने पर विवाद। नए छात्रों के स्वागत के लिए आयोजित पार्टी में चिकन मोमोज परोसे गए। हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन के पास बनी मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा, शिकायत के बाद एचआरडीए के निर्देश पर कार्रवाई। जबलपुर मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस में एसी कोच में घुसा सांप, खाड़े मुंबई रूट पर कसारा की घटना। राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए का आतंक, तेंदुए ने 3 दिन के भीतर 3 लोगों पर किया हमला। रिया सिंघा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, उर्वशी रौतेला ने रिया को विजेता का क्राउन पहनाया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला यूएसए सर्टिफाइड सुरुचि इंटरनेशनल महाराष्ट्र में छाप छोड़ने के बाद अब उत्तर भारत में भी धूम मचाने को तैयार है। सुरुचि इंटरनेशनल स्पाइसेस अब सभी प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर भी उपलब्ध है। दिल्ली के वसंत विहार क्लब में पिकबॉल टूर्नामेंट का शानदार आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली समेत कई राज्यों से 140 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यूएसए का प्रसिद्ध खेल लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वैश का मिश्रण है पिकबॉल, जिसमें किसी भी उम्र वर्ग के अलग अलग उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं। बांग्लादेश के साथ चल रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारत की जीत। भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 280 रन से जीता। भारत ने टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराधा दिसानायके को दी बधाई। बड़ी खबर के साथ पंजाब के भटिंडा में रेलवे ट्रैक पर बड़ी साजिश। रेलवे ट्रैक पर सरिये मिले हैं लोहे के,
देखिए भटिंडा दिल्ली लाइन पर 10 से ज्यादा सरिये रेलवे ट्रैक पर मिले हैं। भटिंडा में डीरेल होने से बची है मालगाड़ी। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टला। करीब 45 मिनट तक मालगाड़ी वहीं पर रुकी रही। तो भटिंडा में पटरी पर लोहे के सरिये रखे हुए मिले हैं। एक के बाद एक रेलवे ट्रैक पर साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। देश के अन्य अन्य राज्यों से रेलवे ट्रैक पर साजिश का खुलासा हो रहा है और अब भटिंडा में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। जहां रेलवे ट्रैक पर लोहे के सरिये मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं किस तरफ इशारा करती है और भटिंडा से क्या अपडेट आ रहा है? रेलवे ट्रैक पर लोहे के सरिये मिले, क्या अभी तक कुछ खुलासा इस पूरे मामले पर हो पाया है? सचिन जी, देखिए ये भटिंडा दिल्ली रेलवे ट्रैक है जिस पे ये पिछले का जो है अखबार को जो है लोहे की रॉड जो है रख दी गई थी। इस पर इसमें जीआरपी जो है जीआरपी ने एक मामला दर्ज किया है और जीआरपी जो है इसमें सारी छानबीन कर रही है कि आखिरकार ये किसने किया था, क्यों किया था, कि भाई ये डेलीब्रेट है जो है नुकसान पहुंचाने का या क्या था। पर ये जो है सीरियस है क्योंकि ये लगातार इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो सामने आ रही है। रेल को जो है डिरेल करने की कोशिश जो है ट्रेन को जो है वो अलग अलग दिशाओं से, तो पुलिस जो है इस मामले को भी, भटिंडा वाला जो मामला है इसको भी लाइटली नहीं ले रही है और हर तरफ से इसकी जो पड़ताल है वो की जाती है। ये भटिंडा मालगाड़ी जो है रिसेंटली उसको रेलवे ट्रैक पर 45 मिनट तक जो है इसकी वजह से जो है वो रोके रखा था और रेलवे ड्राइवर की सावधानी से बेसिकली इसने जो है एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया था। पर ये चिंता का सबब है कि अगर ये डेलीग्रेटली जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर अगर ये लोहे की रॉड जो है ये रखी गई थी तो कितने रखे हैं और क्यों रखे हैं? बिल्कुल ठीक सचिन, ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सचिन शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। अब देखिए बाजार से जुड़ी खबरें। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया वीजा वायलेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टैक्स चोरी और कई बिजनेस प्रैक्टिस इरेगुलरिटीज के लिए सरकारी जांच के दायरे में है। एक सरकारी ईमेल का हवाला देते हुए इस बात की रिपोर्ट की गई। अमेरिका चीन में बढ़ते तनाव और चीन में बढ़ते व्यापारिक माहौल की वजह से लगभग 50 अमेरिकी कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटने की तैयारी में है। अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स की कंपनियों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इनमें से 15 भारत में निवेश करना चाहते हैं। देश में सोने के दाम एक महीने में 4.2% बढ़कर 74,093 रुपए प्रति 10 ग्राम का हो गया। सोने का दाम बजट में इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद जितना घटा था उससे ज्यादा बढ़ चुका है। कर्ज और कैश के संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ लगभग 300 अरब रुपए की बड़ी डील की है। इस डील के तहत ये कंपनी अगले 3 साल तक VI को नेटवर्क इक्विपमेंट सप्लाई करेगी। टाटा में घर वापसी से भी नहीं सुधरी एयर इंडिया की हालत। वापसी के बाद भी एयरलाइन का ऑन टाइम परफॉर्मेंस लगातार खराब होता जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर गुजरात के दाहोद से है जहां पर बच्ची के मर्डर पर खुलासा हुआ है। स्कूल का प्रिंसिपल ही बच्ची का हत्यारा निकला। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल गोविंद नट को अरेस्ट किया है। 2 दिन पहले स्कूल में 6 साल की बच्ची का शव मिला था। आरोपी प्रिंसिपल ने बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश भी की थी। सिंगवाड़ के तोरानी प्राइमरी स्कूल में ये बच्ची पढ़ती थी। तो बड़ी खबर है गुजरात के दाहोद से जहां पर एक बच्ची का शव स्कूल परिसर से ही बरामद हुआ था और अब पूरी जांच पड़ताल के बाद यह खुलासा हुआ है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल था वही हत्यारा है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल गोविंद नट को अरेस्ट कर लिया है। 2 दिन पहले 6 साल की बच्ची का शव मिला था जिसके बाद से पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और अब जब खुलासा हुआ तो सामने आया चौंकाने वाला खुलासा कि स्कूल का प्रिंसिपल ही इस बच्ची का हत्यारा है और उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की थी। दाहोद डिस्ट्रिक्ट के तोरणी प्राइमरी स्कूल के कंपाउंड में से जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही थी वो बच्ची की लाश बरामद हुई थी। उसका पोस्टमार्टम कराने के बाद दूसरे दिन मालूम हुआ कि उसका कॉज ऑफ डेथ प्राइमरी स्मूदरिंग आया है, मतलब किसी ने उसकी सांसें रोक के उसकी हत्या कर दी है। प्रिंसिपल ने रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म करने के इरादे से प्रयत्न किया तो बच्ची चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद करने के लिए उसने उसका मुंह दबा दिया और नाक दबा दिया ताकि उसकी सांसें रुक गई और उसी वजह से वो बेहोश हो गई। पूरा टेक्निकल एनालिसिस और उसका स्कूल छोड़ने का जो टाइम था उस हिसाब से उसके ऊपर शंका हुई हम लोगों को और उसी में पूछताछ के दरमियान इसने ये कबूल किया कि ये क्राइम इसने किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे का तीसरा दिन आज रात करीब 9 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी से न्यूयॉर्क में मिले बड़ी कंपनियों के सीईओ, टेक कंपनियों के अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की हुई राउंड टेबल बैठक। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित, कहा अपना नमस्ते लोकल से ग्लोबल हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर सैकड़ों भाषाएं, बोलियां और पंथ हैं, हम एक बनकर नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में बोले पीएम मोदी, भारत 10वें से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना, देश चाहता है हम जल्द तीसरी इकोनॉमी बने, अब भारत करता है नेतृत्व। नासाऊ कोलिजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावर शो, राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान मोदी मोदी के शोर से गूंज उठा पूरा हॉल। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के मेगा शो से पहले प्रवासी भारतीयों ने पारंपरिक नृत्य से बांधा समा, पीएम मोदी ने की सभी कलाकारों की जमकर तारीफ। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले मराठा समुदाय की शानदार परफॉर्मेंस, महिला ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को ट्रेन मॉडल और उनकी पत्नी को पश्मीना शॉल की भेंट, 297 ऐतिहासिक धरोहरें भी अमेरिका से लौटेंगी भारत। अगले साल 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दी है जानकारी। और अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराधा नायका को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन सागर में श्रीलंका का विशेष स्थान है, आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक। और चलिए अब बात करते हैं चुनावी और देश की खबरों। जम्मू कश्मीर में आज थम जाएगा दूसरे चरण का प्रचार, 25 सितंबर को मतदान, 26 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कश्मीर के 3 जिलों में श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल की 15 सीट पर 25 सितंबर को वोटिंग, जम्मू के 3 जिलों पुंछ, राजौरी और रियासी में 11 सीट पर होगा मतदान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं, पुंछ में राहुल की रैली होगी, श्रीनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में वापस लागू नहीं कर सकती अनुच्छेद 370, बीजेपी सरकार बनी जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर प्रहार, राजौरी में कहा आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ नहीं रखते रिश्ते। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की आज हरियाणा में 2 जनसभाएं, टोहना और जगाधरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज हरियाणा में 2 रैलियां, अंबाला और घरौंदा में करेंगे जनसभा, पूर्व सीएम हुड्डा होंगे शामिल। फरीदाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार लखन सिंगला के नौकरी देने के दावों का वीडियो वायरल, बोले हुड्डा जी का मुझ पर आशीर्वाद, अपने क्षेत्र के हर नौजवान को दूंगा नौकरी। अंबाला में चुनाव प्रचार के दौरान अनिल विज का हुआ भारी विरोध, गढ़नाला गांव में प्रचार करने पहुंचे थे बीजेपी के नेता, किसान और बीजेपी समर्थक आ गए थे आमने सामने। चुनाव प्रचार के दौरान हुए विरोध पर बोले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, विरोध करने वाले कांग्रेस के हारे हुए सरपंच। सिरसा के चौटाला गांव में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड शो किया, बोले हरियाणा की 36 बिरादरी कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी। सोनीपत में बोले यूपी के सीएम योगी, आप केवल बेल और जेल के चक्कर में और कांग्रेस को देश से मतलब। हरियाणा के नरवाड़ा में सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस परिवारवाद में मस्त है, बीजेपी सरकार ने किया बिना भेदभाव के हरियाणा का विकास। दिल्ली में अमित शाह के साथ आजसू चीफ सुदेश महतो की बैठक, आजसू के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मंथन, सूत्रों के मुताबिक नहीं हो सका कोई फैसला। जनता की अदालत में बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे 5 सवाल, कहा भागवत बताएं राह से क्यों भटक गई है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने मन से लहराया आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू का, इस पर बटन तभी दबाना जब लगे कि केजरीवाल ईमानदार। मनीष सिसोदिया ने बड़ा आरोप लगाया, कहा जेल से बचने के लिए केजरीवाल का नाम लेने के लिए कहा गया था लेकिन लाख कोशिश के बाद भी तोड़ नहीं पाई बीजेपी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल से पूछे 5 सवाल, कहा केजरीवाल को देना चाहिए जवाब, ये दिल्ली जानना चाहती।
बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने निशाना साधा। एबीपी न्यूज से कहा, झूठी अदालत लगाने से कुछ होगा नहीं, केजरीवाल को देना होगा 10 सालों का हिस्सा। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार, बोले आरएसएस से सवाल पूछने से पहले अपने पिता समान अन्ना हजारे के सवालों के जवाब। और चलिए आगे बढ़ते हुए देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं फटाफट अंदाज। हटाए गए मातोश्री के नजदीक लगे पोस्टर, शिवसेना यूबीटी युवा विंग ने उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे को दी थी जन्मदिन की बधाई, लिखा था अपने परिवार से अगला मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमान महिलाओं को मिले जगह, इसको लेकर कानून बने। नागपुर में बोले नितिन गडकरी, सत्ता किसी की हो उसमें रामदास आठवले का होना तय, गडकरी के भाषण के वक्त मंच पर मौजूद थे रामदास आठवले। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज संभालेंगी पदभार, सुबह 11 बजे पहुंचेगी सीएम ऑफिस, आज हो सकती है आतिशी कैबिनेट की पहली बैठक। पंजाब में आज हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल, सूत्रों के मुताबिक हरदीप सिंह, तरुणप्रीत, एस सोंद, बरिंदर गोयल और मोहिंदर भगत समेत 5 लोगों को मिलेगी कैबिनेट में जगह। आज से 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी, 5 जनवरी को खत्म हो रहा है झारखंड विधानसभा का कार्यकाल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में किसानों का आज बड़ा प्रदर्शन, बीकेयू नेता राकेश टिकैत होंगे शामिल, प्रदर्शन की मंजूरी को लेकर राकेश टिकैत ने दी सरकार को खुली चुनौती। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर एफआईआर, लगी अपहरण, मारपीट और धमकाने की धाराएं, मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव लड़ने की थी तैयारी। और रुक करते हैं देश की कुछ और अहम खबरों का। तिरुमाला में शुद्धि के लिए मुख्य यज्ञशाला में शांति यज्ञ, राज्य के सभी मंदिरों में पूजा अर्चना, प्रसादम के मामले के बाद लिया गया था फैसला। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सीएम नायडू ने जांच के लिए एसआईटी बनाने के दिए आदेश, आईजी के नेतृत्व में एसआईटी का किया गया गठन। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने कहा, पूरी तरह से बदली गाय का घी खरीदने की प्रक्रिया, बहुत पारदर्शी तरीके से खरीदा जा रहा है शुद्ध घी। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला में फेयर डिक्लेरेशन क्लॉज की अनदेखी का लगाया आरोप, कहा ईसाई धर्म मानने वाले जगन ने तिरुमाला जाने पर क्यों नहीं किया डिक्लेरेशन क्लॉज पर साइन। जगनमोहन रेड्डी ने सीएम नायडू के खिलाफ पीएम को लिखे चिट्ठी, तिरुमाला की पवित्रता धूमिल करने का आरोप लगाया, सच्चाई उजागर करने की मांग की। मुंबई में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। जगनमोहन रेड्डी के आवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, घर के गेट पर भगवा रंग फेंका, पुलिस ने लिया हिरासत। साधम को लेकर छिड़े विवाद पर आज सुबह 9:30 बजे बीएसपी मार्गदर्शन मंडल की बैठक, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने पर भी हो सकती है चर्चा। बीएसपी नेता विनोद बंसल ने मस्जिदों के सरकारी नियंत्रण का मुद्दा उठाया, कहा सवाल है कि सरकार मस्जिदों को आखिर नियंत्रित क्यों नहीं करती। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, राजनेताओं के हस्तक्षेप से मंदिरों में पाप होता रहा, प्रसाद में मिलावट की खबर देखकर दुख होता है। प्रसादम विवाद पर बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, तिरुपति के लड्डू की बात से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है, धर्माचार्यों के अधिकार क्षेत्र में सारे मंदिर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको कोर्ट और कानून से जुड़ी बड़ी खबर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनाएगा फैसला, मामला मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़ा हुआ है। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती लिस्ट को रद्द किया गया। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई, एक शिकायतकर्ता महिला पहलवान का बयान दर्ज किया जाएगा। संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के प्रभारी अभिजीत का नार्को टेस्ट कराने की मांग, सीबीआई ने मांगी नार्को टेस्ट कराने की इजाजत, सीबीआई की याचिका पर आज सियालदह कोर्ट में सुनवाई।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। दोपहर 2 बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में बिना ट्रीटमेंट के गिर रहे नालों को लेकर एनजीटी में आज बेहद अहम सुनवाई होगी। सुनवाई में केंद्र और यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। और अपराध की दुनिया की कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। किश्तवाड़ के चटरू इलाके में मुठभेड़ हुई। अमेठी में पुलिस और बाइक सवार बदमाश के मुठभेड़। शातिर अपराधी मारूक अहमद उर्फ राजा के पांव में गोली लगी। हत्या के आरोप में फरार था बदमाश। महाराष्ट्र के डोंबिवली में फल विक्रेता की घिनौनी हरकत। प्लास्टिक थैली में किया पेशाब, बगैर हाथ धोए ही ग्राहकों को फल बेचने लगा। फल विक्रेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा की सुरक्षा व्यवस्था होगी और ज्यादा मजबूत। 350 थानों पर लगाए जाएंगे करीब 3000 सीसीटीवी। 250 करोड़ रुपए की लागत से लगेंगे कैमरे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनेगा जो प्राधिकरण के टावर 2 में स्थापित होगा, जहां से 24 घंटे इन कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। और एक के बाद एक जो रेलवे ट्रैक पर साजिशें सामने आ रही हैं उससे जुड़ा अपडेट आपको देते हैं फटाफट। कानपुर में 1 महीने के भीतर तीसरी बार ट्रेन को डीरेल करने की साजिश। रेल ट्रैक पर मिला छोटा गैस सिलेंडर। लोको पायलट ने समय रहते ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोका। एडीजी रेलवे प्रकाश जी ने रेल ट्रैक पर सिलेंडर पाए जाने की घटना पर कहा सिलेंडर में नहीं थी गैस। हर एंगल से हो रही है मामले की जांच। मामला दर्ज, जांच शुरू। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा इसके पीछे एक साजिश जो एक खास समुदाय से जुड़ी है जिससे मैं आतंकवादी साजिशों में शामिल मानता हूं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का गिरिराज सिंह पर पलटवार। कहा गिरिराज को इस तरह के बयान देने से पहले सोचना चाहिए वो गृहमंत्री है या फिर उनके पास कोई इंटेलिजेंस का इनपुट है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रेल ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने का मामला। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार का बयान। रेलवे कर्मचारी सुरक्षा एजेंसियों सतर्क। एनआईए एटीएस सिविल पुलिस कर रही है जांच। रेल ट्रैक पर लोहे का खंभा रखने का आरोप। जीआरपी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ट्रैक के पास से खंभे को चुरा कर ले जा रहे थे दोनों आरोपी। ट्रेन आती देखकर मौके से हुए थे फरार। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग टीम पर हमला। एक सिपाही और ड्राइवर जख्मी। शराब की तस्करी को लेकर चेकिंग कर रही थी टीम। हमला करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। कर्नाटक के कोलार में मंडी में हादसा। टमाटर के बॉक्स में आग लगी। करीब 1 लाख रुपए कीमत के 1000 बक्से आग में जले। आग की लपटें देखकर लोगों में मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में लाखों रुपए का माल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। दिल्ली में डीटीसी की बस के अंदर चालक की पिटाई का मामला। पिटाई के बाद चालक को पुलिस थाने लेकर पहुंचे दोनों लोग। बस से कार की टक्कर हो जाने पर था विवाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चिकन मोमोज परोसने पर विवाद। नए छात्रों के स्वागत के लिए आयोजित पार्टी में चिकन मोमोज परोसे गए। कुछ छात्रों की शिकायत पर डिप्टी प्रोक्टर ने बैठाई जांच। हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन के पास बनी मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा। शिकायत के बाद एचआरडीए के निर्देश पर कार्रवाई। अतिक्रमण की शिकायत पर लिया गया एक्शन। जबलपुर मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस में एसी कोच में घुसा सांप। ठाणे मुंबई रूट पर कसारा की घटना। यात्रियों को जानकारी देने पर कोच को अलग कराएगा। राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने 3 दिन के अंदर 3 लोगों पर हमला किया। वन विभाग की टीम ने जंगल में शुरू की गश्त। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी तेंदुए का खौफ। रतलाम रोड 5 नंबर पर दिखा तेंदुआ। दहशत के साए में रोड से होकर गुजर रहे राहगीर। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला यूएसए सर्टिफाइड सुरुचि इंटरनेशनल महाराष्ट्र में छाप छोड़ने के बाद अब उत्तर भारत में भी धूम मचाने को तैयार है। सुरुचि इंटरनेशनल स्पाइसेस अब सभी प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर उपलब्ध है। दिल्ली के वसंत विहार क्लब में पिकल बॉल टूर्नामेंट का शानदार आयोजन हुआ जिसमें दिल्ली समेत कई राज्यों से 140 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यूएसए का प्रसिद्ध खेल लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वाश का मिश्रण है पिकल बॉल, जिसमें किसी भी उम्र वर्ग के अलग अलग उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।